सुप्रभात छात्रों, आरसीआई एजुकेशन हब बानसूर की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। विषय संस्कृतम और बेटा हमारा टॉपिक है समास। आज हम पढ़ेंगे अव्ययी भाव समास। समास का दूसरा भेद है, पहला भेद था केवल समास और दूसरा है अव्ययी भाव समास। प्रायेण पूर्व पदार्थ प्रधानो अव्ययी भाव, प्रायेण पूर्व पदार्थ प्रधानो अव्ययी भाव, यानी कि जिस समास में पूर्व पद के अर्थ के क्या हो, प्रधानता हो, उसे क्या कहते हैं, अव्ययी भाव समास कहते हैं। और यानी कि पहला पद अव्यय हो और उसी की क्या हो, प्रधानता हो, और समस्त पद नपुंसक लिंग एकवचन का हो, उसे ही अव्ययी भाव समास कहते हैं। प्रायेण पूर्व पदार्थ प्रधानो अव्ययी भाव, जिस समास में पूर्व पद यानी पहला पद, यानी पहले पद की क्या हो, पहले पद के अर्थ की प्रधानता हो, अर्थात पहला पद क्या हो, अव्ययी हो, उसे ही अव्ययी भाव समास कहते हैं। परिभाषा में देखो, इस समास में पूर्व पदार्थ प्रधान होता है। कौन से समास में? अव्ययी भाव समास में। इस समास में पूर्व पदार्थ प्रधान होता है, इसमें पूर्व पद अव्यय तथा उत्तर पद अनव्यय होता है। पूर्व पद तो कैसा होता है? पूर्व पद का अर्थ आपको पहले ही मैंने बता दिया, पूर्व पद और उत्तर पद। पूर्व पद कैसा होता है? अव्यय होता है। और उत्तर पद यानी बाद वाला जो पद होता है वो कैसा होता है? अनव्यय, यानी कि कोई संज्ञा शब्द हो, ठीक है, अनव्यय होता है। किंतु सामासिक पद बन जाने के पश्चात पूरा पद अव्यय बन जाता है। किंतु सामासिक पद यानी कि जब सामासिक पद बन जाता है उसके बाद पूरा पद कैसा बन जाता है? अव्यय बन जाता है। तथा वह सामासिक पद, जो सामासिक पद बनता है, वह सदैव हमेशा नपुंसक लिंग एकवचन में होता है। यथा जैसे देखो बेटा, इन उदाहरणों के माध्यम से समझो। समस्त पद समास विग्रह, पहला है हमारा निर्मक्षिकम। अब बेटा देखो, निर्मक्षिकम में निर क्या आ गया है? अव्यय आ गया है, क्योंकि संस्कृत में 22 उपसर्ग है, ये आपको मालूम है, पढ़ा रखे। जो उपसर्ग है वो अव्यय का ही भेद है। जिस प्रकार से मैंने आपको बताया कि तत्पुरुष समास है, समानाधिकरण और व्यधिकरण, तो समानाधिकरण के तीन भेद मैंने आपको बताया कि समानाधिकरण के अंदर कर्मधारी समास और द्विगु समास और नन तत्पुरुष, ये तीन भेद हैं, ठीक है। इसी प्रकार से जो हमारे यानी कि अव्यय शब्द हैं उसी के अंदर क्या आते हैं, ये उपसर्ग आते हैं। तो इसे ही, ये जो निर है इसे हम क्या कहेंगे? अव्यय ही कहेंगे, यानी अव्यय का ही निर जो उपसर्ग है वो क्या है? एक भाग है। तो निर्मक्षिकम, निर पहला पद अव्यय हो गया, और मक्षी यानी मक्खी ये हमारा कैसा हो गया? संज्ञा शब्द हो गया है। उसके बाद जो समस्त, ये जो समस्त पद है ये देखो निर्मक्षिकम हमारा नपुंसक लिंग एक वचन का है, ठीक है। इस प्रकार से इसे हम उदाहरण के माध्यम से इसे समझ जाएंगे कि ये कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास है। अब बेटा सबसे बड़ी बात आती है छात्रों की, समास विग्रह संस्कृत में किस प्रकार से किया जाए। तो बेटा देखो, निर्मक्षिकम यानी मक्खियों का अभाव, मक्खियों का अभाव। तो बेटा इसमें देखो, हिंदी अर्थ हमने कर लिया कि मक्खियों का अभाव, निर का अर्थ होता है अभाव। तो इसमें कारक चिन्ह क्या आ रहा है? का। तो जिसमें का कारक चिन्ह आ रहा है तो किसका अभाव है? अभाव है, मक्खियों का अभाव है, तो उसी में हम षष्ठी विभक्ति का प्रयोग कर देंगे। तो इसका समास विग्रह हो जाएगा मक्षिकाणाम षष्ठी बहुवचन में, यानी मक्खियों का बहुवचन क्या हो जाएगा? मक्षिकाणाम, मक्षी का अभाव है, मक्खियों का अभाव, ठीक है। यहां देख लो, जब यहां अगर यहां मक्षी काणाम हमने किया तो अगर आगे स्वर बण है तो मैं के हलंत लगा देंगे, अगर व्यंजन बण है तो इस मैं का क्या कर देते हैं? अनुस्वार कर देते हैं, ठीक है। ये इस प्रकार से हम क्या करते हैं? विग्रह करते हैं। उसके बाद आता है उपसर्गम। उप का अर्थ होता है समीप, पास में, ठीक है। तो ये भी हमारा अव्यय पद आ गया है और उपसर्गम समस्त पद नपुंसक लिंग एकवचन का है, ठीक है। तो इसका विग्रह हो जाएगा सर्वे समीपम, सर्वे समीपम, ठीक है। उसके बाद तीसरा उदाहरण है हमारा उपवनम। उपकार होता है वो पास में, समीप में, संस्कृत में समीप में, ठीक है। और वन शब्द हमारा संज्ञा शब्द हो गया है। उसके बाद समस्त पद कैसा हो गया? नपुंसक लिंग एकवचन का हो गया, ठीक है। इसलिए यानी वन के पास, तो वन के पास, वन शब्द हमारा अकारांत हो गया है,
तो अकारांत वन के पास का के की कारक चिन्ह षष्ठी विभक्ति, एक वचन में षष्ठी विभक्ति, एक वचन में प्रत्यय लग रहा है अश्य, तो क्या हो जाएगा वनश्य समीप, वनश्य समीप। ठीक है, ये उपवनम क्या क्या हो गया है, समास विग्रह हो गया है संस्कृत में। उसके बाद चौथा उदाहरण है उपगंगम, उपकार वही समीप पास में, गंगम यानी गंगा के, गंगा संज्ञा शब्द हो गया, उप अव्यय शब्द हो गया और समस्त पद कैसा हो गया, नपुंसक लिंग एक वचन का हो गया, यानी गंगा के पास वो ही षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जा रहा है। तो गंगा शब्द हमारा आकारांत स्त्रीलिंग है, कारक चिन्ह के आ रहा है, तो किसके पास, गंगा के पास, तो भाई वाक्य कैसा है, एक वचन का है, इसलिए आकारांत स्त्रीलिंग एक वचन में प्रत्यय कौन सा लग रहा है, आया। ठीक है, तो उसमें क्या हो जाएगा, गंगाया, गंगाया समीपम, यानी गंगा के पास। ठीक है, उसके बाद आता है अनुरूपम, अनुरूपम अनुपसर्ग यानी अव्यपद, उसके बाद रूप सौंदर्य यानी हमारा संज्ञा पद के अंदर आ गया, उसके बाद समस्त पद नपुंसक लिंग एक वचन का आ गया। ठीक है, यानी रूप के अनुसार। ठीक है, तो अनुरूपम का हो जाएगा रूपस्य, रूपस्य योगम, योग्यम यानी रूप के अनुसार, रूपस्य योगम। अनु विष्णु, विष्णु के बाद, विष्णु के पश्चात, तो इसका विष्णु शब्द उकारांत है, तो उकारांत पुल्लिंग शब्द आपको पढ़ाया, तो उकारांत पुल्लिंग शब्द षष्ठी विभक्ति एक वचन में प्रत्यय लग रहा है ओ। ठीक है, तो क्या हो जाएगा विष्णु, विष्णु पश्चात, विष्णु पश्चात। ठीक है, क्या हो जाएगा विष्णु पश्चात, विष्णु के पास। उसके बाद आता है सातवां उदाहरण अधिहरि, अधिहरि अधि अव्यपद, हरि शब्द संज्ञा शब्द। ठीक है, इसलिए ये भी हमारा अव्ययीभाव समास का उदाहरण है और इसका विग्रह हो जाएगा हरौ अधि, हराओ अधि, क्योंकि अधि के योग में हम कौन से व्यक्ति का प्रयोग करते हैं, सप्तमी व्यक्ति का प्रयोग करते हैं, इसलिए इस हरि शब्द में हमने कौन से व्यक्ति लगा दिए, सप्तमी व्यक्ति लगा दी। आपको शब्द रूप याद होंगे, हरि शब्द सप्तमी एक वचन में क्या आ जाएगा, हराओ और फिर अधि का अधि आ जाएगा, संस्कृत शब्द है हराओ अधि, ये इसका क्या हो गया समास विग्रह। उसके बाद है उपकृष्णम, उपकृष्णम का अर्थ हो समीप पास में, कृष्णम यानी कृष्ण के पास, कृष्ण शब्द अकारांत पुल्लिंग शब्द है, कारक चिन्ह के आ रहा है, षष्ठी युक्ति एक वचन में कौन सा प्रत्यय लग रहा है अश्य, तो इसका समास विग्रह हो जाएगा कृष्णस्य, कृष्णस्य समीप, कृष्णस्य समीप। ठीक है बेटा, इस प्रकार से ये हमारा अव्यय भाव समास समाप्त हो गया है। इसके आगे तत्पुरुष समास हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।